हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेवल्स ऑफ के बारे में तो टोटल चार लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं वो होते हैं प्राइम मॉडल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तो आइए इस डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले है प्राइम मॉडल प्राइम मॉडल लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज बिफोर द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स यानी कि जब कोई रिस्क फैक्टर इमर्ज नहीं हुआ है तब हम लोग प्राइमर लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन है हेल्थ एजुकेशन एग्जाम्पल्स की बात करें तो फादर आज के सन नॉट टू अडॉप्ट बैड हैबिट्स और एग्जाम्पल्स की बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन हेल्दी लाइफ स्टाइल बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइमर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अब आते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के इन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट बट नो डिजीज इस प्रेजेंट दिस लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैन प्रिवेंट द डिजीज हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर टू मोड्स ऑफ इंटरवेंशन एग्जाम्पल्स की बात करें तो वैक्सीन आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जितने भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और एग्जाम्पल की बात करें तो कौनडम जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव है वो भी एक प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है क्योंकि रिस्क फैक्टर यानी कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो है लेकिन ये हम लोग कॉन्डम्स को यूज करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी को अब आ जाते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज पॉसिबली हैज स्टार्टेड। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन नॉट प्रिवेंट डिजीज मोड ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्लड कल्चर इन टाइफॉइड स्क्रीनिंग ऑफ हाइपर टेंशन बाई चेकिंग बी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अब आ जाते हैं हम लोग टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे इन टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिजीज इज इन प्रोग्रेशन और ओवर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन या रिहेबिलिटेशन एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रचेज इन पोलियो जिसको पोलियो मेलाइटिस हो गया है पोलियो की तो कोई दवाई नहीं है या उसे ठीक किया नहीं जा सकता जनरली वैक्सीन है अगर वैक्सीन नहीं दिया गया और किसी आदमी को पोलियो हो गया तो उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसके डिसेबिलिटी को लिमिट किया जा सकता है क्रचेस देकर उसी तरह स्पेक्टिकल्स भी दे सकते हैं अब आँख खराब हो चुका है तो चश्मे लगाकर उसे प्रिवेंट किया जा सकता है और खराब ना हो ताकि इसे रोक सकें तो ये थे कुछ चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन